हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम टू द सोबर टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि स्पाइडरमैन एमसीयू में रिटर्न होगा या नहीं, क्योंकि अभी फिर से दोबारा से न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई हैं कि सोनी है उसने कुछ मार्वल या डिज्नी को एक डील ऑफर करी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपको भाई पूरी डील बताने वाला हूँ कि क्या ड्रामा चल रहा है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है सोनी की तरफ से, डिज्नी की तरफ से, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। इसमें मेरे को कोई न्यूज़ नहीं मिली अलग तरीके से कि मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। और अगर आप इन न्यूज़ को अगर फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता लग गया होगा कि आखिर चल क्या रहा है रियली में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्वल और सोनी की डील जो थी वो ओवर हो गई। वो क्यों ओवर हुई थी उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने वो वीडियो देख रखी होगी कि नहीं देखी तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मार्वल ने 90% की जो उनकी डील थी, जो सोनी से मार्वल की जो डील थी, उसको कैंसिल करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि हमें 30-70 का रेशियो चाहिए, यानी कि 30% हमें अपने पास रखना है और 70% आप अपने पास रखो, ये उन्होंने कहा था। पर इसमें जो सोनी था उन्होंने कहा नहीं भैया, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो डील चल रही थी हम उसी डील को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और इस तरह से जो डील थी वो ओवर हो गई थी। वैसे इसमें डिज्नी की भी थोड़ी गलती थी, वो मैंने उस वीडियो में बात करी है, देख लेना अगर आपको सही लगे तो। इसके बाद सोनी ने एक अपना स्टेटमेंट डाला जिसमें उन्होंने कहा केविन फाइगो को लेकर, या पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मार्वल को लेकर, कि हमें उनके साथ काम करके अच्छा लगा, हम आगे उनके साथ काम करना चाहते हैं, पर अगर ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, जो ऐसी अभी केसन बन रही है, हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। ये उन्होंने पूरा स्टेटमेंट पास करा जिसको लेकर ये कंफर्म हो गया कि सोनी मार्वल या डिज्नी में कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है और स्पाइडरमैन अभी एमसीयू का हिस्सा नहीं है। और फिर जब T23 जब एक्सपो हुआ तब वहाँ पे केविन फाइगी और पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड से ही पूछा गया कि क्या मांजर हो रहा है। तो यहाँ पे केविन फाइगी ने कहा कि हमें पता था कि ये डील हमेशा के लिए वर्क नहीं करने वाली है, ये कभी ना कभी ओवर होने वाली थी। और जब तक हमने स्पाइडरमैन के साथ काम करा, यानी कि 2017 या 16 से जब तक हमने काम करा है स्पाइडरमैन के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये सब ओवर होने के बाद दोबारा से अब इसके ऊपर न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई है, वो पता नहीं कहाँ से। पर जो एक मीडिया वेबसाइट है उसने कुछ ऐसा कहा है कि जो सोनी ने मार्वल को एक डील की पेशकश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ हम तुम्हारी डील के लिए रेडी हो गए हैं, यानी कि जो उन्होंने पहली पेशकश करी थी यानी कि 70-30 की, जो 30% मार्वल के पास जाता और सोनी के पास 70% जाता, वो उन्होंने वही डील अब मार्वल को पेशकश करी है कि हाँ हम ये डील पर वर्क करना चाहते हैं। अब ये सोनी ने कहा है मार्वल से या डिज्नी से। अब ये जो न्यूज़ आई है वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, कंफर्म सोर्स से नहीं है, कहने का मतलब ना इस बात को सोनी ने कंफर्म करा है और ना इस बात को डिज्नी ने कंफर्म करा है या मार्वल ने कंफर्म नहीं करा है, इन दोनों को किसी ने कंफर्म नहीं करा है। ये सिर्फ एक मीडिया वेबसाइट की एक खबर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ सही है। अगर आप इस बात का समझ रहे हैं कि स्पाइडरमैन एमसीयू में आ रहा है तो ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, क्योंकि जो पहले मार्वल ने जो पेशकश करी थी, जो मार्वल ने सोनी को बोला था फर्स्ट टाइम में, वही पेशकश अब सोनी मार्वल को कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अगर फर्स्ट टाइम में अगर सोनी मार्वल के साथ अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस डील को, तो इस टाइम वो दोबारा से उसी डील को सोनी कैसे ऑफर कर सकता है मार्वल को? आप सब खुद ही समझ सकते हो। तो एक तरह से ये जो ये बात आ रही है पूरी डील वील की, वो पूरी तरह से फेक है, रूमर है, इस पर आप बिलीव मत करो। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एमसीयू से स्पाइडरमैन नहीं गया है, ना वो पहले गया था ना वो अभी गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की तरफ से कुछ गोलमोल तरीके से स्टेटमेंट आए हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि अब हम दोबारा से स्पाइडरमैन एमसीयू में कभी नहीं आएगा, या सोनी ने ऐसा भी नहीं कहा है। तो दोनों ही कंपनी ने एक दूसरे को काफ़ी पॉजिटिव बात करी है, यानी कि उन्होंने इस तरह से अपनी बातों का रखा है कि आने वाले टाइम में अगर कोई डील होती है तो वो आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो सोनी और मार्वल के बीच में ऐसी नहीं है, दोनों हाथ मिला सकते हैं, ये आप कंफर्म कर लो। क्योंकि जब तक सोनी स्पाइडरमैन पे अलग से मूवी पर वर्क स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक हम ये कह सकते हैं कि सोनी स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा है। क्योंकि यार अभी तो 2-3 महीने पहले तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी आई है और अभी फेस 4 अनाउंस हुआ है, तो तब तक जब तक अनाउंस नहीं होती है सोनी की तरफ से कोई स्पाइडरमैन की मूवी, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा है। पर तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन एमसीयू में वापस आ जाएगा, क्या डील हो जाएगी कि एमसीयू में स्पाइडरमैन आने वाला है। और जो फिलहाल अभी जो रूमर आया है वो रूमर पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि सोनी ने मार्वल को डील ऑफर करी हो 70-30 की, जो मार्वल ने पहले डील ऑफर करी थी, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ ये इस बात पे आप चिंता मुक्त रहो, यानी कि कंफर्म रहो कि एमसीयू में स्पाइडरमैन वन डे यानी कि एवेंजर्स 5 से पहले पक्का आएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना लाइक दें और इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।